हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया तो फ्रेंड्स आपको अभी कैंसिल करना है, तो आप उसको कैंसिल कैसा कर सकते हो, तो आपको लास्ट तक का वीडियो देखने का आपको मालूम पड़ जाएगा आप अपना एप्लीकेशन एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का कैसा कैंसिल कर सकते हो। फ्रेंड तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन की दपन दिख रही होगी, बटन दिख रही होगी फ्रेंड, उसको दबा के तोड़ के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन हम कैसा कैंसिल कर सकते हैं। फ्रेंड हमको जीमेल में जाना है, कॉम्पोस में हमको एक ईमेल लिखना पड़ता है फ्रेंड्स, तो हमको रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट बैंक के अंदर फ्रेंड्स, और आपको बताने वाला क्या रिक्वेस्ट करना है वो आपको देख लेना है और उसको आपको भेज देना है फ्रेंड्स। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड के जो फ्रेंड्स जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं जो आपका सारा देखते हैं दोस्तों, वो आपका एप्लीकेशन वहाँ से कैंसिल कर देंगे। जो भी आपको ईमेल आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से, वो आना बंद हो जाएगा। जो भी आपका एप्लीकेशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपको बार बार कॉल, ईमेल, नोटिफिकेशन ये सब नहीं आएगा फ्रेंड्स, आपको कुछ भी ऐप पे भी शो नहीं होएगा फ्रेंड्स। तो हमारा नाम लिख लेना है फ्रेंड्स हमको पहले कॉम्पोस में जाके, और फ़ोन नंबर लिख लेना है। तो आपको ये दोनों लिख लेने के बाद यहाँ हमको एक रिक्वेस्ट लिख लेने का है, तो क्या रिक्वेस्ट लिखेगा देख लीजिए। सेम टू सेम आपको ऐसा लिखना है, प्लीज़ कैंसिल माई एक्सिस बैंक, देखिए प्लीज़ कैंसिल माई एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, आपको इतना ही लिखने का है फ्रेंड। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखने का है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कैंसिल, तो हमको अभी सब्जेक्ट में चले जाना है और ये हम लिखेंगे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कैंसिल रिक्वेस्ट, तो आपको इतना लिख लेना है। या कैंसिलेशन भी आप लिखोगे तो चलेगा फ्रेंड्स, और कैंसिल रिक्वेस्ट लिखेगी भी तो चलेगा। और यहाँ हमको ईमेल आईडी डालना है फ्रेंड्स, ये ईमेल आईडी आपको एक्सिस बैंक की तरफ से मिल जाएगी फ्रेंड, आप कस्टमर केयर को कॉल करके ले सकते हो, और फ्रेंड चाहे तो आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहाँ से ले सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ नहीं दूंगा दोस्तों, ये अलाउड नहीं है एक्सिस बैंक की। आपको ईमेल आईडी दो दोस्तों, इसमें स्पैम होता है, इसके लिए मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, आप जाके खुद ही ले सकते हो फ्रेंड्स। और दोस्तों आपको ये भेज देने का है, जैसा आप भेजोगे फ्रेंड्स आपका जो भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों इधर ईमेल आईडी इसलिए भी नहीं दे रहा आपको क्योंकि अपडेट होते रहती है, वो अपडेट हो गए तो दोस्तों इस पर आपको ईमेल जाएगा नहीं, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आपका ईमेल रिटर्न आ जाएगा। तो आपको न्यूली अपडेट एक्सिस बैंक की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है या ऐप होता है या कस्टमर सपोर्ट होता है उनसे लेने का है, और कहीं से नहीं लेने का, फिर उसके बाद आपको भेज देने का फ्रेंड्स। तो इतना ही प्रोसेस होता है फ्रेंड, जैसा आप भेजूंगा रिक्वेस्ट करके। आप चाहे तो दोस्तों कॉल कर भी सकते हो एक्सिस बैंक में, कॉल कर लीजिए, आप वहाँ बोलोगे हमको क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन कैंसिल करना है, तो आपका कैंसिल भी हो सकता है, तो कॉल करके भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।